नमस्ते एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ के ऊपर। अच्छा, हेल्थ जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है हमारी फिजिकल हेल्थ, एक होती है हमारी मेंटल हेल्थ। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी हेल्थ को किस तरह से सुधार सकते हैं। हमें अगर अपनी हेल्थ सुधारनी है तो उसके लिए दोनों हेल्थ, फिजिकल और मेंटल, दोनों तरह की हेल्थ हमारी बेस्ट होना चाहिए। और वो बेस्ट कैसे होगी? हमारी मेंटल हेल्थ को एक बार अपन समझते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या होती है। मेंटल हेल्थ मतलब हम जो स्ट्रेस लेते हैं, हम जो चिंताएँ करते हैं, वो सब हमारी मेंटल हेल्थ होती है। मेंटल हेल्थ हमारी कब सही होगी? जब हमारे पास होगा पैसा। और वो पैसा जो है वो कैसे आएगा? वो आएगा हमारी फिजिकल हेल्थ से। मतलब हमारी मेंटल हेल्थ किस तरह से अच्छी होगी? जब हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी। हमारी मेंटल हेल्थ का रास्ता, मतलब पैसे का रास्ता, हमारे स्वास्थ्य से जाता है। स्वास्थ्य से कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हेल्थ सच्ची में वेल्थ होती है। तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट हम समझते हैं, आज इस वीडियो में अपन समझेंगे कि हम अपनी फिजिकल हेल्थ को कैसे बेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर फिजिकल हेल्थ अगर हमारी सही हो जाती है तो कैसे हमारी मेंटल हेल्थ, मतलब हमारा वेल्थ पार्ट लाइफ का अच्छा हो सकता है। फिजिकल हेल्थ समझने के लिए मैं आपको कंपनी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। कंपनी का नाम है एनर्जिक। ये एक जापनीज कंपनी है जो 48 ईयर्स ओल्ड पुरानी है। और इसका जो डिवाइस है, जिसे हम कैंगन डिवाइस कहते हैं, इसे जब पानी हम पास करते हैं तो वो पानी जो हमें मिलता है वो होता है कैंगन वाटर। अच्छा, कैंगन का मतलब क्या होता है? कैंगन का मतलब होता है अपना बैक टू ओरिजिन, मतलब मूल की ओर वापसी। तो किस तरह ये पानी हमें मूल की ओर वापस लेके जाता है? हमारा मूल क्या है? हमारा मूल है स्वस्थ, स्वास्थ्य। जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं 9 महीने के लिए, तब हम काफ़ी हेल्दी रहते हैं, कोई बीमारियाँ नहीं रहती। बट जैसे ही हम पैदा होते हैं, 2-3 साल बाद कुछ बाहर का कुछ खाना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स आने लगते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमारी जो हेल्थ है, वो हमारी हेल्थ में जब डिजीजेस, डिसऑर्डर्स जो भी आते हैं, वो सब लाइफस्टाइल में चेंजेस होने की वजह से आते हैं। आज हम देखेंगे कि हमारी लाइफस्टाइल में जो हम चेंजेस करते हैं, कैसे लाइफस्टाइल चेंजेस को सही करके हम अपनी फिजिकल हेल्थ को सही कर सकते हैं। इस डेमो में हम 3 चीज़ देखेंगे कि किसी भी डिजीज़ का रूट कॉज क्या होता है, हमें डिजीज़ क्यों होती है, डिजीज़ का रूट कॉज क्या होता है, और कैसे उस रूट कॉज पर हम काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ कैंगन वाटर। सो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले 3 कॉजेज जान लेते हैं कि किसी भी शरीर में डिजीज़ या डिसऑर्डर होने का रूट कॉज क्या हो सकता है। तो 3 रूट कॉज होते हैं जो हमें किसी भी तरह की बीमारी दे सकते हैं। और वो 3 रूट कॉज होते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन और एसिडिक स्ट्रेस। तो ये 3 तरह के स्ट्रेस है जो हमें किसी ना किसी तरह का बॉडी में डिसऑर्डर या डिजीज़ दे सकते हैं। सो आज हम वर्क करेंगे कि कैसे हम पानी से इन 3 तरह के स्ट्रेस पर काम कर सकते हैं। सबसे पहला हम समझेंगे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ये होता है कि इसको अपन एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। सी, आपके पास एक एप्पल है, उस एप्पल को मैंने कट करके आपके सामने रख दिया। जब मैंने एप्पल कट करके आपके सामने रखा तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद वो ख़राब होने लग जाएगा। ख़राब होने की जो ये जो प्रोसेस होती है, जब भी कोई चीज़ हवा के कॉन्टैक्ट में आती है, जैसे कि आज ये जगह है, ये ऑफिस है, आज बहुत सुंदर दिख रहा है, बट जैसे ही कुछ समय बाद, आज के 50 साल बाद, ये ख़राब दिखने लगेगा। इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ हवा के कांटेक्ट में आ रही है, वो चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है। इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। और इस ऑक्सीडेशन को कम करने वाली इसका काउंटर पार्ट होता है एंटीऑक्सीडेंट्स। तो उस एंटीऑक्सीडेंट्स की अपन बात करेंगे। हमारे शरीर को जो एजिंग की ओर लेके जाता है, जो बूढ़ा करता है हमारे शरीर को, उसे हम ऑक्सीडेंट्स कहते हैं। और जब ये शरीर में ज़्यादा हो जाते हैं, जब ये ऑक्सीडेंट्स शरीर में ज़्यादा हो जाते हैं, तब हमारे शरीर में डिजीजेज आने लगते हैं, डिसऑर्डर्स आने लगते हैं, और हम तेज़ी से बुढ़ापे की ओर जाने लगते हैं। और इन सब को अगर हमें कम करना है, तो हमें अपने शरीर में चाहिए बैलेंस अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, फर्स्ट स्ट्रेस, उसका हमारे पास जो फाइट करने के लिए जो मैकेनिज्म है, वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। सो लेट्स फर्स्ट सी कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे खाने में और पानी में, दोनों में मिलता है। आज अगर अपन ग्रीन टी की बात करें, तो ग्रीन टी में -100 का एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेगा। लेमन्स
सिट्रस फ्रूट्स जो है इसमें -30 का एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेगा, और जितने भी नदियाँ जो पहाड़ होते हैं वहाँ से जो झरने गिर के आते हैं, गंगोत्री का जो पानी है, गंगोत्री या भी जमजम का जो पानी, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, वो सारे पानी कैनगिन तरह के पानी होते हैं। तो अपन देखेंगे कि खाने में तो एंटीऑक्सीडेंट्स होता है हमें, आपने कई बार डॉक्टर ने कहा है कि ग्रीन टी पियो, और कोरोना में भी लोगों को काफ़ी कहा गया है कि खट्टे फ्रूट्स जो लेमन संतरा है ये सब खाओ। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स पानी में भी होता है, खाने में तो अपन ने देख लिया, टैबलेट्स मतलब आर्टिफिशियली लिमसी तरह की टैबलेट्स होती है उसमें भी देख लिया, पानी में कैसा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है वो आज अपन चेक करेंगे। और ये एंटीऑक्सीडेंट चेक करने के लिए मैं यहाँ पे अलग अलग तरह का पानी लूँगी। सबसे पहले मैं ये ले रही हूँ स्प्राइट। स्प्राइट इज़ कार्बोनेटेड वाटर। अगर मैं आज की बात करूँ तो हम कभी भी मैकडी जाते हैं, तो मैकडी जाते हैं तो यार वहाँ पे बिना स्प्राइट के तो अपन बर्गर खा ही नहीं सकते। तो सोडा तो हर कहीं हर कोई कभी ना कभी एक ना एक बार तो साल में पी ही लेता है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ एक्वाफिना, किनले, बिस्लेरी, जितना भी पैक्ड वाटर होता है 20 रुपये लीटर का ये बॉटल होता है, तो एक तरफ मैं ये ले रही हूँ। एंड थर्ड दिस इज़ आरओ वाटर। आज इंडिया के 80% घरों में आरओ का पानी लगा हुआ है। हमें लगता है कि आरओ पानी को साफ़ कर देता है, और साफ का मतलब स्वस्थ होता है, बट अगर ऐसा ही होता तो क्या, तो हम रोज़ मैकडी जाते और रोज़ मैकडी का बर्गर खा सकते हैं, बट हम नहीं जाते रोज़ मैकडी और नहीं खाते रोज़। क्यों? क्योंकि वो साफ़ होता है बट हेल्दी नहीं होता है। उसी तरह के आरओ का पानी होता है, वो साफ़ तो होता है बट हेल्दी नहीं होता, और कैसे नहीं होता है वो आज अपन इस डेमोन्स्ट्रेशन में देखेंगे। नेक्स्ट दिस आई एम टेकिंग कैनगिन वाटर। अब एक किसी भी चीज़ में कितना एंटीऑक्सीडेंट है कितना नहीं है वो अपन चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मीटर। ये ORP मीटर है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल मीटर। ये बताता है किस चीज़ में कितना एंटीऑक्सीडेंट्स है कितना ऑक्सीडेंट्स है। अगर इसकी रीडिंग प्लस में आती है तो वो चीज़ डेड है, और अगर इसकी रीडिंग -1 में भी आती है, अगर माइनस में आती तो मतलब उस चीज़ में जीवन है। कहते हैं ना जल ही जीवन है, तो जल का जो जीवन होता है ना वो ये मीटर बताता है, और वो बताता है विद द हेल्प ऑफ माइनस साइन। तो फर्स्ट लेट्स चेक स्प्राइट। स्प्राइट आपको दिख रहा होगा, स्प्राइट आ रहा है कहीं +300 +400 में, कोई साइन नहीं दिख रहा है अगर साइड में, इसका मतलब वो प्लस में है। तो ये स्प्राइट आ रहा है +300 में, इसका मतलब ये है कि अगर हवा में हम 200 की स्पीड से एजिंग की ओर जा रहे थे तो स्प्राइट पीते से ही वो एजिंग की प्रोसेस 200 टाइम्स हो जाती है। नेक्स्ट आई हैव पैक्ड वाटर। पैक्ड वाटर इज़ अगेन 300+, तो इसका मतलब यह है कि पैक्ड वाटर भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड है। +1 भी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, और ये +300 में है। देन वी हैव RO, जो हम रोज़ घर में पीते हैं, RO वाटर। RO आ रहा है +300 +372, ये इंक्रीज़ होते जा रहा है। सो ये भी +300 में, तो हमने कहीं ना कहीं ये देखा कि ये तीन तरह के पानी हैं जो ऑक्सीडाइज्ड वाटर थे, मतलब शरीर को बूढ़ा करने वाली पानी, और ये कैनगिन वाटर। कैनगिन वाटर 9.5 pH, कैनगिन है -500 में, और ये इंक्रीज होते जा रहा है। ये जो माइनस साइन आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये माइनस साइन बताता है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है। ये वही एंटीऑक्सीडेंट्स है जो हमें फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मिलते हैं। बहता हुआ पानी, जब भी आप कहीं जाओगे झरने का पानी पियोगे तो आपको वो पानी पी के बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और यही वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। सही, ये तो हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन देख लिया मीटर की हेल्प से। अब हम एक चीज़ देखेंगे, लिमसी। लिमसी का जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि विटामिन सी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है, और डॉक्टर्स काफ़ी कह रहे हैं कि लेमन ऑरेंजेस खाओ, लिमसी काफ़ी लोगों ने खाई है, काफ़ी कोरोना पेशेंट्स ने लिमसी खाई है। तो लिमसी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है, शरीर में किस तरह से काम करता है वो अपन देखेंगे। मीटर की हेल्प से तो हमने एंटीऑक्सीडेंट्स देख लिए, अब इसी एंटीऑक्सीडेंट ये हमारे शरीर में किस तरह से काम करता है दैट वी विल सी। इसको अपन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस बीटाडीन सॉल्यूशन। ये बीटाडीन है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज करता है, एजिंग इंक्रीज करने का काम करता है।
तो ये मैंने बीटाडीन लिया है। ये बीटाडीन रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उन सब टॉक्सिन्स को बीटाडीन रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको मैं क्लियर कर रही हूँ अपने आरओ के वाटर पानी के साथ। तो ये अपन ने आरओ वाटर यूज़ करा। हम देख रहे हैं कि जब अपन ने अपने शरीर को क्लीन करने की कोशिश करी, टॉक्सिन्स हटाने की कोशिश करी आरओ वाटर से, तो वो काम नहीं करा। तो ये दो शरीर है जिनमें सेम अमाउंट का टॉक्सिन्स है, और यहाँ हमने जब हमारा पानी क्योंकि काम नहीं करा, तो पानी नहीं काम करा, तो हम ये टैबलेट ले रहे हैं लिम्सी आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट। यही एंटीऑक्सीडेंट नेचुरली भगवान ने खाने में और पानी में दिया है, बट वो हमारे शरीर में लग नहीं पाता, इसलिए आज हम इस पे डिपेंड हो गए हैं। ये आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट है, इस तरह से शरीर में काम करता है। और वहीं ये काम कैन ग्रेन वाटर के साथ देखते हैं। सी यू कैन सी हियर, जो काम टैबलेट ने करा था, काफी लोगों ने लिम्सी खाई है, जो काम टैबलेट कर रहा है वही काम यहाँ पे सिंपली पानी कर रहा है। तो आप क्या प्रिफर करोगे, आप पानी से खुद को ठीक करना प्रिफर करोगे या टैबलेट से, ये आपकी चॉइस है। सेकंड मैंने बात करी थी एसिडिक स्ट्रेस, तो एसिडिक स्ट्रेस को अपन समझेंगे। एसिडिक स्ट्रेस क्या होता है, डॉक्टर ऑटो हेंड्रिच वॉरबर्ग जिन्हें 1931 में नोबेल प्राइज मिला था, उन्होंने ये कहा था कि शरीर में अगर कोई सी बीमारी होती है तो उसके दो कारण हो सकते हैं, हाइपोक्सिया और एसिडोसिस। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी, और एसिडोसिस मतलब शरीर में एसिडिक कंटेंट का ज़्यादा होना। अच्छा, हमारा जितना भी खाना होता है, खाने में हम जितना भी मीट प्रोडक्ट्स लेते हैं, जितना भी डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, तेल मसाले प्रोसेस्ड फूड, ये सब हाईली एसिडिक होते हैं। और हमारा पानी जो होता है, हमारे पानी का भी एक नेचर होता है, तो जितना ज़्यादा शरीर में एसिडिक कंटेंट होगा उतना ज़्यादा डिसऑर्डर्स और डिजीजेस का खतरा ज़्यादा होता जाता है। अगर कैंसर की बात करें तो डॉक्टर ऑटो हेंड्रिच वॉरबर्ग कहते हैं कि कैंसरस टिश्यूज़ आर एसिडिक एंड हेल्दी टिश्यूज़ आर अल्कलाइन, मतलब एक अल्कलाइन शरीर हेल्दी शरीर होता है। तो हम अपने खाने पे तो ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते, हम अपनी डाइट तो काफ़ी ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, बट पानी जो है, पानी का भी एक नेचर होता है और पानी हम ज़रूर चेंज कर सकते हैं। तो एक बार पानी का नेचर अपन देखते हैं कि हमारा पानी जो हम पी रहे हैं, सी पानी शरीर का 70% होता है, खाना तो सिर्फ 12% होता है। तो पानी का भी एक बार नेचर चेक कर लेते हैं कि शरीर में मेजॉरिटी जो जा रही है वो एसिडिक है या अल्कलाइन है। फर्स्ट ईयर आई एम टेकिंग स्प्राइट कार्बोनेटेड वाटर। This we have packed water, RO water, और ये कैनगन water। अभी तक तो सारे पानी एक जैसे दिख रहे थे, बट जैसे ही मैंने इसमें ये लिटमस सॉल्यूशन डाला, ये 9th-10th के बच्चे यूज़ करते हैं, इसे लिटमस सॉल्यूशन कहते हैं, जो बताता है कि कौन सी चीज़ एसिडिक है और कौन सी चीज़ अल्कलाइन। तो जब मैंने ये लिक्विड डाला तो सारे पानी ने अपना रंग बता दिया। अब ये जो रंग है वो रंग से आपको हम पता करेंगे कि ये रंग क्या बताते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पर एक चार्ट देख सकते हैं जिसे अपन पीएच चार्ट कहते हैं। 7 का मतलब न्यूट्रल होता है, और 7 से जब हम नीचे जाते हैं तो वो 10 times में इंक्रीज होता है और वो एसिडिक नेचर होते जाता है, और 7 से जब अपन ऊपर जाते हैं तो वो अल्कलाइन होते जाते हैं। तो इस चार्ट के हेल्प से अगर अपन देखें तो चार्ट हमें बताता है कि कार्बोनेटेड वाटर मतलब स्प्राइट कितना ज़्यादा एसिडिक होता है। ये कहीं 2 पर आ रहा होगा, मतलब 10,000 times तक एसिडिक। ये हमारा पैक्ड वाटर कहीं ना कहीं 5 पर आ रहा होगा, और ये है मतलब 100 times एसिडिक हमारे आरओ का पानी जिस पे हमें इतना भरोसा है। ये कहीं ना कहीं 6, 7 और 6 के बीच में आ रहा है, मतलब ये भी कहीं ना कहीं 10 times तक एसिडिक है। अब आप देखिए, हम खाना तो एसिडिक खाते ही हैं, हम सब प्रोसेस्ड फूड मीट डेयरी प्रोडक्ट्स दूध दही तेल मसाले ये सब तो खाते ही हैं, उन सब में ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, बट इसके साथ जो अपन पानी पी रहे हैं वो भी एसिडिक है, तो शरीर में अल्कलाइन कुछ जा ही नहीं रहा है। और ये यहाँ पर कैनगन वाटर 9.5 pH, ये अल्कलाइन वाटर है।
ये हमें हेल्थ की ओर लेकर जाएगा। कहते हैं हेल्दी बॉडी अल्कलाइन होती है, तो ये हमें हेल्थ की ओर लेकर जाएगा। बट यहाँ पे आपका एक डाउट आ सकता है कि यार चलो अब ये पानी हमने पीना शुरू कर दिया क्योंकि बहुत अच्छा है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी है और पानी अल्कलाइन भी है, चलो पीना शुरू कर देते हैं, तो यार हमें इसकी आदत तो नहीं लग जाएगी, तो एक बार वो देख लेते हैं। ये आरओ का पानी है, आज तक आप आरओ पी रहे थे और अब आपने कैनगिन पीना शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हर चीज़ को हेल्थ की ओर लेके जा सकता है। ये हम बाहर गए, हम 10-15 दिन के लिए बाहर चले गए, हमने बाहर का पानी पिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पर ये देखा कि हम कोई सा भी पानी पी ले, कैनगिन वाटर में वो ताकत है कि वो हर तरह के पानी को डाइजेस्ट कर सकता है। सी ये कैनगिन वाटर, मैं रोज़ कैनगिन वाटर पीती हूँ, तो यहाँ अगर अपन देखें तो ये मैंने इसमें आरओ डाला, इसमें कोई चेंजेस आए? कोई चेंजेस नहीं है। इसका सिंपली मतलब यह है कि कैनगिन वाटर हर तरह के पानी को, हर तरह की चीज़ को डाइजेस्ट कर सकता है क्योंकि ये एक स्ट्रांग वाटर है और स्ट्रांग चीज़ों की कभी हमें आदत नहीं लगती। हमें सिगरेट शराब की आदत लगती है क्योंकि वो एक वीक चीज़ होती है, जिस तरह से आरओ एक वीक पानी होता है, हमारे शरीर को भी वीक करता है, हमें बुढ़ापे की ओर लेके जाता है और हमें वीक करता है, इसकी हमें ज़रूर आदत लग सकती है। बट कैनगिन की हमें आदत नहीं लगी क्योंकि वो एक स्ट्रांग पानी है। बट आप सोचते हैं कि यार अब तो कैनगिन पीना स्टार्ट कर दिया है, तो कैनगिन पीने के साथ हम सोडा भी पीना स्टार्ट कर देते हैं, तो लेट्स सी कि कैनगिन का सोडा पे क्या असर आता है। या सोडा इतना ज़्यादा हाईली एसिडिक होता है कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कैनगिन के 32 कप्स पीने होंगे और बाकी जितना भी पानी है वो उसे न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि वो खुद एसिडिक है। और ये थोड़ा सा भी अगर आप पीते हैं तो आपके शरीर पे किस तरह से असर कर सकता है। सी नाउ इट्स ऑन यू कि आप क्या डिसाइड करते हैं अपनी हेल्थ के लिए। आप हेल्थ मतलब कैनगिन डिसाइड करते हैं या एसिडिक मतलब कि आरओ या सोडा, ये आपके ऊपर है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, जो डिसऑर्डर्स का भी एक मेजर रीज़न होता है, मेजर रूट कॉज होता है, वो होता है शरीर में डिहाइड्रेशन। WHO ने भी कहा है कोरोना में कि आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, एंटीऑक्सीडेंट्स दीजिए, हाइड्रेट रखिए। तो ये हाइड्रेशन क्या होता है आज अपन समझेंगे, और वो समझने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ करना चाहती हूँ यहाँ पर, वो अपन करेंगे। सी फर्स्ट यहाँ पे अगर अपन देखें तो मैंने यहाँ पर ये लिम्सी ली थी और लिम्सी से अपन ने बॉडी के टॉक्सिन्स क्लीन करने की कोशिश करी थी। शुरुआत में तो ये सब क्लीन हो गया था, बट अभी अगर अपन देखें तो वो सारे टॉक्सिन्स धीरे धीरे करके वापस आ रहे हैं। और वहीं अगर अपन कैनगिन वाटर की बात करें तो ये पूरा की पूरा क्लीन है। इसका मतलब ये है कि ये एक आर्टिफिशियल चीज़ है, आपको एक तरफ तो कहीं कुछ अच्छा करेगी बट दूसरा जाके किसी और ऑर्गन पे अटैक करेगी और वहाँ पे आपको कोई दूसरी टैबलेट लेनी होगी। सो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम थर्ड प्रॉपर्टी मतलब डिहाइड्रेशन से कैसे अपन बच सकते हैं वो शुरू करने से पहले, हम खाना खाने पे यार अपना बहुत ध्यान रहता है, तो एक बार थोड़ा सा खाने पे देख लेते हैं कि खाने पे कैनगिन वाटर किस तरह से काम करता है। यहाँ पर मैंने दो प्याज लिए और एक तरफ मैं प्याज को धोने के लिए कैनगिन 11.5 pH का वाटर यूज़ कर रही हूँ और वहीं दूसरी तरफ आरओ का पानी। तो ये इसकी प्रोसेस होगी और इसे हम रख देते हैं और अपन समझते हैं थर्ड और लास्ट प्रॉपर्टी जो है माइक्रोक्लस्टर। माइक्रोक्लस्टर का मतलब होता है कि पानी जो होता है उसका एक साइज़ होता है, पानी छोटा और बड़ा दोनों होता है, और पानी के इस साइज़ को अपन समझेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टी बैग। ये एक टी बैग है, हम समझे कि ये जो टी बैग है ये हमारा शरीर है, इसको अज्यूम करते हैं, और इसके अंदर की जो भी चाय पत्ती है वो हमारा जितने भी सेल्स ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे सेल्स हैं। तो इसकी हेल्प से अपन समझेंगे कि हमारे शरीर में पानी किस तरह से जाता है, किस तरह से काम करता है। एक तरफ तो मैं अपने शरीर को ये आरओ वाटर दे रही हूँ, तो ये आरओ
ठंडे पानी में कभी भी चाय बनती नहीं है, इसलिए शायद नहीं बनी। बट यहाँ पे भी मैं कैनगिन का ही ठंडा पानी ले रही हूँ। देयर यू कैन सी द डिफरेंस। मैंने आपके सामने दो टी बैग्स लिए, एक में मैंने आरओ का पानी डाला और एक में कैनगिन का। डिफरेंस ये है कि कैनगिन से ठंडे पानी में भी चाय बन गई और आरओ से नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? वो इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि पानी जो है, पानी का एक साइज़ होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और अगर अपन आरओ के पानी की बात करें तो ये काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी मोटा पानी होता है, मतलब कि 30 से 40 मॉलिक्यूल्स का पानी होता है। और वहीं अगर अपन कैनगिन की बात करें तो वो 3 से 4 मॉलिक्यूल्स का पानी होता है। अगर हम अपने शरीर की बात करें तो हमारा शरीर सेल्स से बना हुआ है। सेल्स सबसे छोटी इकाई होती है हमारे शरीर की। और अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उसे देख भी नहीं सकते हैं। इतने छोटे सेल्स में जब ये एक टी बैग में है, ये पानी आरओ का पानी एक टी बैग में नहीं जा पा रहा है, तो हमारे सेल्स में किस तरह से जा पाता होगा? अगर एक टिप पर रखूँ तो 30,000 सेल्स आ सकते हैं, इतने छोटा हमारा सेल्स होते हैं। इतने छोटे सेल्स के लिए हमारे पानी को भी छोटा होना पड़ेगा। आज हम पानी तो बहुत सारा पी लेते हैं बट फिर भी हम हाइड्रेट नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, पहली बात तो हम पानी पीते ही बहुत कम है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पानी पी भी लेते हैं, अगर बहुत सारा 3-4 लीटर अगर एक दिन में पी भी लेते हैं, फिर भी उन्हें बीमारियां रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वो भले ही बहुत अच्छा अच्छा पानी पी रहे हैं बट उनके शरीर में वो पानी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो शरीर में जाता ही नहीं अच्छे से। सी ये यू कैन सी द डिफरेंस। उसी तरफ अगर अपन अपने खाने की बात करें, एक बार खाने की भी बात कर लेते हैं। हम बहुत अच्छा अच्छा खाते हैं आजकल। लोग सप्लीमेंट्स का बहुत ज़्यादा चल रहा है, काफ़ी सारी टैबलेट्स सप्लीमेंट्स, जैसे कि लिम्सी होती है, लिम्सी तरह की टैबलेट्स आती है और विटामिन्स मिनरल्स की, तो वो देख लेते हैं। ये मैंने हम अज्यूम करते हैं कि ये दो बॉडीज़ है जिसमें इक्वल अमाउंट में न्यूट्रिशन जा रहा है, सारे प्रोटीन विटामिन्स मिनरल्स जो हम अपने खाने से लेते हैं, तो वो हमने लिए। और ये जितना भी खाना है ये हमने ले लिया आरओ के पानी से। तो एक तरफ तो ये अपन ने आरओ के पानी से लिया है और वहीं दूसरी तरफ मैं हूँ, मैं कैनगिन वाटर से ले रही हूँ। कैन सी द डिफरेंस? यह दोनों ने 1,000 रुपये किलो की 10-10 बादाम खाई थी, बट यहाँ अगर अपन आज देखें तो वो सारी बादाम शायद सिर्फ 2 या 1 इस शरीर को लगी होगी और वहीं पूरी की पूरी 10 इस शरीर को लगी है। जब हम जो खा रहे हैं उसी में हमारा सारे न्यूट्रिएंट्स सब कुछ होता है, बट वो हमारे शरीर को लग नहीं पाता क्योंकि ड्राइवर जो कैरियर होता है वो इस लायक, वो इस काबिल नहीं है कि वो उस न्यूट्रिएंट्स को सेल्स तक पहुँचा सके, और इस वजह से हमें सप्लीमेंट्स पे शिफ्ट होना पड़ता है। वहीं यहाँ पर अगर अपन देखें तो हमारे खाने में वो सारे न्यूट्रिएंट्स है और वो सारे न्यूट्रिएंट्स पानी लेकर जाएगा, तो किसी भी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये थी 3 प्रॉपर्टीज़ मेरी तरफ से, एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन और माइक्रोक्लस्टर। ये 3 प्रॉपर्टीज़ थी। अब मैं आपको एक लास्ट चीज़, इस मशीन से निकलने, इस मशीन से 7 तरह के पानी निकलते हैं और हम अगर पानी पीते हैं तो किस तरह से शरीर पे उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं वो मैंने अभी आपको बताया। और वहीं हमारा ध्यान जो होता है सबसे ज़्यादा पानी पे नहीं होता, हमारा होता है खाना खाने पे। तो अपन खाने पे देखते हैं। मैंने 2 प्याज लिए थे और ये 2 प्याज यहाँ पे जो लिए थे, दोनों में एक में मैंने डाला था आरओ का पानी और एक में था कैनगिन 11.5 PH। एक तरफ देखें आप, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें हरापन आ गया, कुछ ग्रीनिश वाटर हो गया। तो ये जो ग्रीन कलर है, हम अपनी सारी सब्जियां पानी से धोते हैं घर पे, कुछ इस तरह के पानी से आप धोते हो और इसी तरह का सफ़ेद क्लियर पानी निकल भी जाता है, ड्रेन कर देते हैं आप। बट कैनगिन में ऐसा क्या डिफरेंस आ गया? अच्छा, आप सबको पता है कि आप जितनी भी सब्जियां ला रहे हो वो पेस्टिसाइड युक्त होती है, मतलब उसमें कीटनाशक एक तरह का जहर होता है जिसकी हमारे शरीर को कोई ज़रूरत नहीं है। एक तरह का जहर होता है जो हम सबकी हर सब्जी में आता है, बट वो कीटनाशक निकालने का हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है। आजकल बहुत सारे मार्केट में ऐसी चीज़ें आ भी रही हैं जो बताती हैं कि उससे वो पेस्टिसाइड निकाल सकते हैं, बट अगर आप वो सॉल्यूशंस या फिर वो कैंट के भी काफ़ी सारी चीज़ों के वो आ रहे हैं,
अगर आप वो यूज़ करेंगे तो आपकी सब्जी ऑक्सीडाइज हो जाएगी, मतलब और ज़्यादा बुरी हो जाएगी, वो आपकी सब्जियों को और ख़राब कर देता है। और वहीं अगर आप कैनगेन को अगर अभी अपन देखें तो ये कोई केमिकल नहीं है, ये सिर्फ पानी है, और सिर्फ पानी है जो आपके सब्जियों में से पेस्टिसाइड निकाल रहा है आपके घर आपके आँखों के सामने। जितना आप पानी यूज़ करना चाहो आपकी मशीन रहेगी। तो ये जो पेस्टिसाइड है कैनगेन में, वो शक्ति होती है कि कैनगेन पेस्टिसाइड्स भी निकाल सकता है आपके सब्जियों में से। और वो पेस्टिसाइड कैसे निकालता है उसका एक बार मैं आपको यहाँ पे एक साइंस बता देती हूँ। हर चीज़ के पीछे एक साइंस है। कैनगेन 11.5 किस तरह से काम करता है। जितने भी हमारे पेस्टिसाइड होते हैं ना, वो सब ऑयल बेस्ड होते हैं, सो दैट पानी के साथ बहे नहीं। तो ये मैंने 2 ग्लासेस में ऑयल लिया है और इस ऑयल पे काम करता है। हमने ये सारे जो ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड सब्जियाँ थी उस पर अपन आरओ का पानी यूज़ करते हैं, तो ये आरओ और ऑयल क्या हुआ, 2 लेयर बन गई, कुछ इसी तरह होता है। और वहीं दूसरी तरफ मैंने कैनगेन 11.5 पीएच लिया, तो ये क्या है, ये अगर अपन यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पानी सफ़ेद हो गया। इसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन, मतलब ऑयल ब्रेक होने की प्रोसेस। इसने वो ऑयल ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर अगर अपन अपनी सब्जी की बात करें तो जब हम आरओ से अपनी सब्जियों को धोते हैं तो वो काफ़ी वीक पानी होता है, उसमें ऐसी पावर नहीं है कि वो उसे ठीक उसका पेस्टिसाइड निकाल सकें। और यहाँ अगर अपन देखें तो कैनगेन में वो पावर होती है कि वो उसको निकाल सकता है, उसके ऑयल के जो बॉन्ड्स हैं वो सारे बॉन्ड्स ब्रेक कर देगा और आपका पेस्टिसाइड आपकी आंखों के सामने सब्जियों से निकल जाएगा, कुछ इस तरह से ये काम करता है। वहीं अगर अपन एक और चीज़ इसमें समझना चाहे तो वो ये है कि यार कोलेस्ट्रॉल की आजकल हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत होती है लोगों को, और उसका एक रीज़न होता है हम जो इतना सारा खाना हम ऑयल वाला खाना खाते हैं वो आर्टरीज में जाके जमता है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो अगर हम कैनगेन पीते हैं तो वो पीने से आपका वो ऑयल भी अंदर जाके ब्रेक होगा। तो हेल्थ हेल्थ हेल्थ, और यही हेल्थ आपको वेल्थ भी देगी, वो अपन दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। बट अभी हमने डिस्कस करा कि किस तरह से हेल्थ पे कैनगेन वाटर काम करता है। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ कैनगेन वाटर की जो मैंने अभी आपके साथ यहाँ पर शेयर करी। इसका और भी अच्छा एलैबोरेटिव डेमो आप अपने घर पे कर सकते हो। आप मेरा नंबर दिया हुआ है, इस पे कॉल कर सकते हो, आप अपने घर पे ये डेमोंस्ट्रेशन करवाइए अपने पानी के साथ, या फिर जहाँ जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर से आप चाहते हैं इस डेमो को देखना, आपको और इसकी सारी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ पता चलेगी। अच्छा, अब अपन ने ये सब जान लिया है तो हम नेक्स्ट देखेंगे, हम जो नेक्स्ट जानेंगे वो ये है कि जब ये मशीन इतनी अच्छी है तो इस मशीन का प्राइस भी पता होना चाहिए। तो एक बार अपन प्राइस पता करते हैं। एनर्जिक के 4 मॉडल्स हैं और वो 4 है, सुपर 501, K8, SD501 और जूनियर 4। ये 4 मॉडल्स हैं। सबसे फर्स्ट मॉडल है सुपर 501 जिसमें 12 प्लेट्स होती है। सो अगर अपन उसकी बात करें तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो प्लेट्स होती है ना, वो प्लेट्स होती है प्लैटिनम और टाइटेनियम की। तो ये प्लेट्स प्लैटिनम टाइटेनियम की मेडिकल ग्रेड की प्लेट्स है, इसलिए इस डिवाइस को मेडिकल डिवाइस कहा जाता है। इसलिए इस डिवाइस को ISO 13485 का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। अपन फर्स्ट जो इसका सुपर मॉडल है उसकी बात करें, सुपर 501, उसमें 12 प्लेट्स होती है प्लैटिनम टाइटेनियम की मेडिकल ग्रेड की, और इसका प्राइस होता है 3,97,000। नेक्स्ट इसकी जो मॉडल है वो है K8 का प्राइस होता है 3,43,000, इसमें होती है 8 प्लेट्स। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट इसके जो मॉडल, इसका फ्लैगशिप मॉडल जो है SD501, उसका प्राइस होता है 2,77,000 और उसकी लाइफ होती है 25 ईयर्स। एंड देन वी हैव सुपर जूनियर 4 जिसकी प्राइस होती है 2,18,000, इसमें प्लेट होती है 4 और उसकी लाइफ होती है 15 ईयर्स की। तो यहाँ पर हमने जाना कि ये मशीन है, अब इसकी ये प्राइस है, इसके आगे की जो भी प्रोसेस है आप कैसे ले सकते हैं ये मशीन, ये सब आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बाकी सारी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।